हमारा इजलास जो है वो इस वक्त मरकजी मजलिस शूरा का चल रहा है और उसके बाद फिर मरकजी मजलिस उमूमी का होगा, जनरल काउंसिल का जी, वो कल रात तक चलेगा इंशाअल्लाह। और उसमें चूँकि आप लोगों को ये इल्म है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम की ग्रास रूट पर रुकन साजी का अमल जारी है और बड़े पैमाने पर आम चौकों में, तहसील लेवल पर, गांव लेवल पर रुकन साजी चल रही है पूरे मुल्क के अंदर जी, और बड़े अच्छा रिस्पांस है हर जगह पर, पब्लिक का, कारकुनों का, सियासी लोगों का। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इसमें हमारे फिर 5-6 महीने लग जाते हैं, उसके बाद फिर हमारी तंजीम साजी शुरू होती है यूनियन काउंसिल, तहसील, ज़िला, सूबा और फिर मरकज़ तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये शौबान तक हमारे तारा सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा नई तंजीम साजी के हवाले से। ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और हो जाएगी इंशाअल्लाह मुलाकात, कल तक इसका इम्कान मौजूद है ताकि हम आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत कर सकें और उस हवाले से पेशरफ कर सकें। ज़रूरी है कि हम उनकी इस बारे में रहनुमाई हासिल करें। जरदारी साहब भी आए लाहौर में, उनसे भी कोई मुलाकात का इम्कान है? उनके मुलाकात हो चुकी है चूँकि इस्लामाबाद में, तो वो जो भी हमारा इस हवाले से मुशावरत थी वो तकरीबन मुकम्मल है और वो पूरी तरह कमिटेड हैं आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से और उसमें अपनी शिरकत के हवाले से। कुछ खबरें ये भी जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई पैगाम आया है कि वो जरदारी साहब से नहीं मिलना चाहते, नहीं ऐसे, और जो उनकी कोई देखिए ऐसी कोई बात है वो मिलना चाहते। देखिए सियासी लोगों में ऐसी बात नहीं होती, जब उनके घर में सदमा था तो जरदारी साहब आए, उनके घर गए, ताज़ियत हुई, तो इख्तलाफ राय मौका ब मौका आ जाते हैं, लेकिन दोनों का फील्ड जो है वो बहरहाल अपोजिशन का है और अपोजिशन के इस फील्ड में कोई पहला दिन नहीं है इनका, एक ज़िंदगी गुजर चुकी है उनकी, हुकूमत करते हुए भी, हिज़्ब इख्तलाफ करते हुए भी और हर किस्म के तलखुशीरी मराहल से गुजरे हैं ये लोग। तो ये कोई मसला नहीं है कि मैं किसी को हाथ नहीं मिलाना चाहता, मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, खुदा ना करे ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ठीक ठाक जवान हूँ इंशाल्लाह। में ये भी आ रहा है कि क्योंकि ऑपोजिशन उस तरह अपना किरदार अदा नहीं कर रही, तो क्या चीज़ें ऐसी की जाएंगी कि जिससे ऑपोजिशन मुतहिद होकर जो गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए? देखिए हम कोई शोलाबाजी नहीं कर रहे हैं और नहीं कोई इस तरह का कि उजलत में हम बग़ैर कोई स्ट्रेटजी बनाए हुए, बग़ैर उसके लिए बुनियादी नुकात तलाश किए बग़ैर, तो ज़ाहिर है जी के इन तमाम मराहल से गुज़र कर एक मज़बूत और मुस्तहकम आवाज़ बनना है हमने कौम का, और कौम पर जो 2 महीनों के अंदर मुश्किलात के पहाड़ गिरे हैं, और अभी आपने शायद आपके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हंगामा है इस वक्त जो इसराइली तैयारा पाकिस्तान आया है और उस पर हुकूमत कोई वजाहत नहीं कर रही, इस बात की मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। आपके जो सीनियर एंकर्स हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि अपनी पोजीशन वाजह करो, तो ये तो ऐसे ही है जैसे कि वो, जैसे मैं कहा करता था कि ऐसी ही मेरे ख्याल में तस्वीरें जाना बनेगी जिस तरह मैं कहा करता था। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी गंभीर है और इस तरह के जो ज़ेर ज़मीन हरकतें हैं वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हम बिलावजह ये बातें नहीं कर रहे थे। फिर इस हवाले से जो किस वक्त हो रहा है अपोजिशन को जकड़ने के लिए, नेप को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, अब नेप तो मुशर्रफ के ज़माने के बनाए हुए एक तंजीम है, उस वक्त भी एक सियासी इंतकाम के लिए बनाई गई और 18वीं तरमीम में जब उसको बरकरार रखा गया तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बड़ी जमातें जो हैं वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रही हैं और फिर उन्हीं को इन हालात से गुज़रना पड़ा। आज जो लोग उन सफ़ों को छोड़ के हुकूमत में चले गए हैं उन सब के साथ तो NRO हो चुका है, अरबों और करोड़ों रुपए के जो उन्होंने गबन किए हैं या उनके खिलाफ जो केसेस हैं, फिर उन्हीं के लोग हैं जो इस वक्त नेब में मतलूब हैं लेकिन फिर मिनिस्टर भी हैं, फिर वही लोग हैं जिनको नाअहल करार दिया जा चुका है और उनके सफ़े अव्वल की क़यादत भी है। तो जब ये लोग मुल्क में एहतसाब की बात करते हैं तो
اور شریف آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی. جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ہر صورت جیل میں جائیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے یا حکومت؟ اسی سے پتہ چلتا ہے نا جی, جب عمران خان کہتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور دوسری سانس میں کہتا ہے کہ نیب آزاد ہے, تو اس کا معنی ہے کہ نیب آزاد نہیں ہے, یہ ان کی مرضی ہے کہ کسی کو وہ کہاں پر گھسیٹتے ہیں, کس عدالت میں گھسیٹتے ہیں, نیب کے کس افسر کے سامنے اس کو گھسیٹتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح ترجمانی کر رہے ہیں حکومت کی کہ بالکل ان کے ہاتھ میں ہے, جن کے ساتھ وہ این آر او کرتے ہیں, وہ تمام کرپشن کے باوجود حکومت کے بینچوں پہ براجمع ہیں, وزارتوں پہ براجمع ہیں, اور جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں. ہمیں کسی قیمت پر نیب پر نہ اعتماد ہے اور نہ نیب احتساب ادارہ ہے, یہ صرف سیاستدانوں کے خلاف ایک انتقامی ادارہ ہے. اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک ہماری پالیٹکس ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس جو ہے